ये जब से नबूदारवादी नीति हम अपनाया है तब से हिंदुस्तान में खुदकुशी किसानों का बढ़ा। 4 लाख से ज़्यादा किसान खुदकुशी किया। हम लोग किसान का घर में गया और बातचीत करके जो हम पता चला, 2 मुख्य कारण से खुदकुशी हो रहा है। एक है उसको फसल का दाम नहीं बढ़ रहा है, खर्चा हो रहा है ज़्यादा, आमदनी कम हो रहा है, नुकसान जा रहा है, घाटा है और सरकार खरीद नहीं करता तो वही दाम पे। और दूसरे है उसका जो कर्जा, प्राइवेट कर्जा 70% किसान का कर्जा प्राइवेट है, सूदखोर के पास, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा है, वो चुका नहीं सकता। ये 2 कारण से किसान खुदकुशी करता रहता है। मोदी ने वादा किया था ये 2 काम करेगा, सत्ता में आएगा तो फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, मगर सत्ता में आए 3 साल हो गया, सरासर गद्दारी किया और सुप्रीम कोर्ट में बोला हम कर नहीं सकता। तो मोदी जो आज साबित कर दिया कि वो किसान का 1 दुश्मन है। तो हम किसान जब ये सब हो रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है, गोली में मर रहा है, तब हम लोग सारे किसान संगठन वहाँ गया, विजिट किया, तब तय किया ये 2 इशू को लेके हम पूरा देश में किसान आंदोलन करेंगे। तब हम एक कन्वेंशन बुलाया, करीब 184 संगठन इकट्ठा हुआ और किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हम इसको प्रचार में लगा, पूरा देश में हम प्रचार किया, करीब 25 राज्य में गया, 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा हम घूमा, 50 लाख से ज़्यादा किसान से हम संपर्क किया और ये सब करके यहाँ आके पहुँचा आज दिल्ली में, आज और कल ये सवाल यहाँ रखने के लिए। हमारा यहाँ का प्रोग्राम है, हम एक नाम दिया, रैली नहीं दिया, किसान संसद, संसद मीन्स पार्लियामेंट, क्योंकि असली पार्लियामेंट जो है वो हमको इनकार किया, वो किसान से गद्दारी किया, एमपी किसान से गद्दारी किया, एमपी के लोग किसान के लिए कोई कानून पास नहीं किया, तो इसलिए हम तय किया हम यहाँ किसान कानून पास करेंगे। 2 बिल हम बनाया, अभी पेश करेंगे, एक है कर्जा माफी का बिल और एक है हमारा 1.5 गुना दाम का बिल। ये 2 बिल यहाँ पेश किया जाएगा, सब लोग चर्चा करेंगे और उस बिल को इकट्ठा करके हम एमपीज को पास भेजेंगे, स्पीकर को भेजेंगे कि तुम पार्लियामेंट 70 साल में किसान को बचाने के लिए कानून नहीं बनाया, किसान इसी कानून से बच सकता, ये 2 कानून हम बनाया, आप इसको पारित करो और पारित करें तो अच्छा, नहीं करेंगे हम देश के किसान को बोलेंगे कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग तुम्हारा दुश्मन है, एक गद्दार है, एक वादा नहीं किया रखा है, तो इसको लात मार के भगाओ, जनता के बीच ये बात बताएंगे, जब हम मानेंगे अच्छा बात है, नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ लोग को बगावत करना है, ये बात हम किसान को बोलेंगे। आज इसी मकसद में आज ये रैली में हम आया है और ये रैली चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ संबंध है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मदद चाहिए, पार्लियामेंट में बिल पास करना है तो कृषक समूह नहीं कर सकता, पार्लियामेंट में बिल पॉलिटिकल पार्टी का एमपीजी करेगा, पार्लियामेंट हर पॉलिटिकल पार्टी को हम बताया है, उसके साथ हम संपर्क में भी है और उसके बाद उसके एमपीज के भी हम मिलेंगे, जो पार्टी सपोर्ट करेगी कम से कम उसको एमपी इसको पार्लियामेंट में लाएँ, इसके लिए हम आर्ज करेंगे।